हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रश्मि वर्मा और आज हम बनाने जा रहे हैं राजभोग आइसक्रीम। ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनके रेडी होगी, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले हम पैन या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। ये फुल फैट दूध है तो इसे हम 1 कप ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम जब गैस पे इसे पकाएंगे तो ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी, पीसी चीनी यूज़ करेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना और इसमें लम्स भी ना बने। तो ये थिक हो चुका है तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच दूध लेंगे, इसमें केसर भी धो के रख देंगे। जब तक हम क्रीम रेडी करेंगे तब तक केसर दूध में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लेंगे क्रीम, ये अमूल फ्रेश क्रीम है। तो यहाँ पे हमने 1 कप क्रीम लिया और 1 भगोना लेंगे, उसमें बर्फ़ के टुकड़े रख लेंगे और ऊपर 1 बाउल ले लेंगे जिसमें हम अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। क्रीम को बाउल में ले लेंगे और फिर हमें इसे अच्छे से व्हिप कर लेना है। तो हमने अपनी सारी क्रीम बाउल में ले ली है और इसे हम व्हिप करेंगे। तो हम पहले तो यहाँ पे हम अमूल फ्रेश क्रीम को लो से हाई स्पीड में व्हिप करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लो स्पीड में व्हिप किया और फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद यहाँ पे हाई स्पीड में इसे व्हिप करना स्टार्ट किया और ये व्हिप हो चुका था और जो हमने क्रीम बना के रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका था। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसमें हम केवड़ा जल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून केवड़ा जल लिया है। केवड़ा जल से टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है आइसक्रीम में। तो इसे हम मिला लेंगे, अच्छे से व्हिप कर लेंगे इसे भी। तो ये व्हिप हो चुका है और यहाँ पे हमने कुछ काजू और बादाम काट के रखे हुए थे उसे हम ऐड कर लेंगे और आधा हम रख लेंगे गार्निश के लिए और जो केसर भिगा के रखा था उसे भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम चीनी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड किया हुआ है और इसे हम मिला लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर मैंने भिगो के रख लिया था उसे भी मैंने ऐड कर लिया है येलो फूड कलर, ताकि देखने में आइसक्रीम थोड़ा अच्छा लगे। और ये हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है। तो एक कंटेनर में हम इसे ऐड कर लेंगे और हम इसे गार्निश कर लेते हैं काजू बादाम पिस्ता से। तो ये देखिए हमारा जो है आइसक्रीम वो गार्निश कर लिया है हमने। तो इसे हम इसके ढक्कन लगा देंगे और इसे ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे जमने के लिए। और ये देखिए हमारी क्रीम बच चुकी थी तो हमने इसे कुल्हड़ में ऐड कर लिया है। आप इसे किसी चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी क्रीम बच जाती है दूसरी कंटेनर में रख सकते हैं या फिर डिस्पोजल के ग्लास में रख सकते हैं। तो इसमें मैंने कुल्हड़ में रख लिया है। अब इसमें भी मैंने गार्निश कर लिया है काजू बादाम और पिस्ता से और इसके भी ढक्कन लगा के मैंने ओवरनाइट रख दिया है फ्रिज में। ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। तो हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितनी क्रीमी बनी है ये। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आइसक्रीम की। तो मैंने आइसक्रीम की और सारी वीडियो डाली हैं तो आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा। और ये देखिए कट करने पर ये बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा बना के और कमेंट में मुझे बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।